हेलो, वेलकम टू अमिताज शोको डिलाइट्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही इजी रेसिपी, वो है आइसक्रीम। चिकू का आइसक्रीम है, बटर स्कॉच आइसक्रीम है और वेरी बेरीज़ का आइसक्रीम है। जो मिक्स बेरीज होती है वो थर्ड वाला आइसक्रीम है। तो इसे हमें लगने वाला है 500 ml का विप क्रीम। तो हमें इसे अच्छे से बीट करना है। जब भी हम ये विप क्रीम लेते हैं तो इसमें आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए और बहुत ही चिल्ड होना चाहिए। तो हम ये फुल स्पीड पे बीट करेंगे। सबसे पहले हम आइसक्रीम का बेस बनाएंगे जो सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनता है, और इसे हम बहुत सारे वैरायटी के आइसक्रीम बना सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो में चीकू का बनाया है, बटर स्कॉच बनाया है और मिक्स बेरीज़ का बनाया है। तो वैसे आप अपने पसंदीदा जो भी आइसक्रीम है वो बनाएंगे, जैसे मैंगो है, चॉकलेट है, सीजनल जो भी कोई भी फ्रूट्स रहेगा तो आप इससे आइसक्रीम बना सकते हैं। इसे हम अच्छे से फुल स्पीड पे, मुझे यहाँ पे 10 मिनट लगा था बीट करने के लिए। तो हमें इसे जब तक ये स्टीफ पीक नहीं आएगा तब तक हमें बीट करना है। तो वीडियो में मैं दिखाऊंगी कब तक हमें ये बीट करते रहना है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किया हुआ है जो 300 वॉट का है। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर से विस्क कर सकते हो, पर इसे बहुत टाइम लगेगा और ये जो इलेक्ट्रिक बीटर है इसे जल्दी हो जाएगा। अगर आपने केक किया है और उसका जो बीट किया हुआ क्रीम बचा है तो उसे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो फ्रेश बीट करने वाले हैं क्रीम, बहुत ही झटपट कम समय में और कम इंग्रेडिएंट्स में ये आइसक्रीम बनने वाला है। तो सबसे मेन तो दो चीज़ों से बेस बनने वाला है, और तीसरा इंग्रेडिएंट जो हम जो भी फ्लेवर बनाने वाले हैं वो चीज़ लगने वाली, जैसे मैंगो है, चीकू है, चॉकलेट है, चॉकलेट अगर बनाना है तो कोको पाउडर, चोको चिप्स वो ऐड कर सकते हैं आप। तो ये थोड़ा सा पतला बीट हुआ है, यहाँ तक नहीं करना है हमें बीट, और बीट करना है फुल स्पीड पे। मैंने यहाँ पे 500 ml का विप क्रीम लिया था, तो इससे मेरी बहुत सारी आइसक्रीम बनी थी। अगर आपको ट्रायल करना है, ट्रायल बेसिस पे अगर आपको आइसक्रीम बनाना है तो इसे आप हाफ क्वांटिटी का ले सकते हो। जैसे 250 ml का विप क्रीम लो। जो भी मैंने ये वीडियो में इंग्रेडिएंट्स दिखाया है, जिसका मेजरमेंट दिया है, उसका हाफ करके आप ट्राई कर सकते हो। और दूसरा इंग्रेडिएंट से जो सामान है वो है मिल्कमेड, 400 ml का मिल्कमेड है। ये मैंने घर पे बनाया है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे चैनल पे ये वीडियो है। तो ये जो बीट किया हुआ क्रीम है उसमें हम मिल्कमेड डालेंगे, जिसे कंडेंस मिल्क भी बोलते हैं। कंडेंस मिल्क भी घर पे बनाना बहुत आसान है, इजीली बन जाता है। मार्केट में भी मिलता है आसानी से, पर ये घर पे भी बहुत आसानी से बनता है। तो ये चैनल पे आप ज़रूर देखिए मेरा वीडियो, और इसे अच्छे से हम बीट करेंगे ताकि ये मिल्कमेड और क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो एक अच्छे से बीट करना है। तो ये बहुत सारा बना है। जब भी मैं अलग अलग आइसक्रीम बनाऊंगी इसका, तब मैं फिर से एक बार बीट कर लूंगी। तो इससे मेरा स्टीफ पीक तक और स्टीफ हो जाएगा ये क्रीम। तो यहाँ पे ये हमारा बेस बन गया है आइसक्रीम का, सिर्फ दो चीज़ों से। अभी यहाँ से हम
अलग अलग बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चीकू का आइसक्रीम। यहाँ पे मैंने 3 चीकू यूज़ किए थे, 2 जो है वो मिक्सर में मैं ग्राइंड करने वाली हूँ, और 1 जो है उसका थोड़ा सा मोटा मोटा क्रश रखने वाली हूँ, थोड़ा पीसेस रखने वाली हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिल्क डाल के मिक्सर में ग्राइंड किया था, और ये अभी जो बेस बना है उसका मैं थोड़ा सा पार्ट निकालने वाली हूँ और इसका चीकू आइसक्रीम बनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने एक अपने हिसाब से लिया है। बहुत ही क्रीमी बनता है जैसे मार्केट में आसानी से, तो इसे मैं फिर से अच्छे से बीट कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे पतला लगा था इसलिए वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा सा मैंने पार्ट जब भी मैं आइसक्रीम बनाऊंगी थोड़ा सा बीट कर लूँगी। जैसे मार्केट में मिलता है सेम वैसे ही टेस्ट, वैसा ही टेक्सचर हम घर पे बना सकते हैं ऐसे। और जो मैंने चीकू का पल्प निकाला था मिक्सर में ग्राइंड किया था वो मैं ऐड कर रही हूँ ये बैटर में, मिक्सर में। तो इसे क्या होगा, जब भी हम टेस्ट खाएंगे आइसक्रीम का तो चीकू का टेस्ट हमें हर एक बाइट में लगने वाला है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा 2 चीकू पूरा यूज़ किया है पल्प में, और अच्छे से फिर से मैं बीट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ, चॉकलेट कलर जो चीकू जैसा होता है। ये ऑप्शनल है, अब अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं या फिर टोटली ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने 1-2 ड्रॉप कलर यूज़ किया है चॉकलेट वाला, और फिर से बीट कर रही हूँ अच्छे से। तो ऐसे ही हम सीजनल कोई भी फ्रूट का हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंगो है, सीताफल है, वो भी बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनेगी। और जो मैंने 1 चीकू का साइड में रखा था थोड़े से मोटे मोटे पीसेस, जब भी खाते हैं तभी आएगा अपने दांतों में, मुंह में टेस्ट आएगा उसका अलग से, तो ऊपर से थोड़ा सा ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया है, एक डब्बा लिया है, उसमें ये सब मिक्सर में डालने वाली हूँ और डीप फ्रीज़र में इसको मैं रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो चीकू का जो बनाया है मिश्रण आइसक्रीम वो मैं डब्बे में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमें एयर टाइट जो कंटेनर होता है वो ही यूज़ करना है, और अच्छे से सबसे मेन है अच्छे से सेट होने देना है इसे। तो कम से कम 8 घंटे से 10 घंटे तक इसे डीप फ्रीज़र में इसे हमें सेट होने देना है। तो जब भी हम लोगों ने यहाँ पे घर पे टेस्ट किया था, छोटी मेरी बेबी ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने, तो सबको चीकू का जो आइसक्रीम है वो ज़्यादा पसंद आया था। तो आप चीकू का जो ये मैं आइसक्रीम बना रही हूँ वो ट्राई करिए। जो थोड़ा सा मैंने साइड में मोटे मोटे रखे थे क्रश करके, थोड़े से पीसेस रखे थे वो ऊपर गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। पर जब हम खाएंगे ये आइसक्रीम तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये रेडी है। अच्छे से इसे पैक करना है और इसे मैं अभी डीप फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। और दूसरा आइसक्रीम अब हम बनाने वाले हैं वो है बटर स्कॉच। तो ऐसे बटर स्कॉच के जो दाने बोलते हैं वो मिलता है मार्केट में इजीली। थोड़ा सा इसे मैंने क्रश किया है, कूट लिया है, तो जब भी हम खाएंगे तो आइसक्रीम में इसका क्रंचीनेस आएगा। यहाँ पे येलो ड्रॉप मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है। मैंने 1-2 ड्रॉप कलर आने के लिए मैंने डाला था।
और ये जो बटर स्कॉच के दाने हैं वो ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे क्रश भी ऐड कर सकते हो, जो प्रिजर्वेटिव बाहर मिलता है, मालाज, होममेड, बहुत सारे ब्रांड से उसे मिल जाते हैं बटर स्कॉच का क्रश। और अच्छे से मैं बीट कर रही हूँ तो इसमें अच्छे से सब जगह पे मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी बन रही है बटर स्कॉच आइसक्रीम। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बाजू में बेल आइकॉन जो है वो प्रेस करिए ऑल पे, तो मेरे जो भी आगे के रेसिपीज़ है वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा और सारे आप वीडियोस मेरे देख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए। किसी ने रेसिपी अगर ट्राई की है तो कमेंट में लिखना। तो अच्छे से बीट करने के बाद मैं इसे फिर से अलग से एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे टपरवेयर के जो डब्बे आते हैं वो यूज़ किया है। और सब जगह मैं लेवल कर दूंगी इसका। थोड़ा सा टैप करके ये सेट हो जाएगा और ऊपर से ये जो क्रश किया हुआ कूटा हुआ जो बटर स्कॉच है वो डाल रही हूँ, तो जब भी हम ये खाएंगे तब इसका क्रंचीनेस, क्रीमीनेस जो भी है वो सब एक साथ हम फील कर सकते हैं, जैसे बटर स्कॉच का क्रंचीनेस और आइसक्रीम का क्रीमीनेस, सॉफ्टनेस एंजॉय कर सकते हैं। ये रेडी हो गया है बटर स्कॉच, ये भी मैं अभी डीप फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। और ये जो बचा हुआ बेस का आइसक्रीम जो है, जैसे बेस बोल सकते हैं, इसमें मैं वेरी बेरी का जो क्रश आता है मालास का मेरे पास था, तो अच्छे से पहले मैं मिक्स कर रही हूँ, शेक कर रही हूँ बॉटल को और फिर इसमें क्रश ऐड कर रही हूँ। तो इसमें जो बेरीज भी है वो भी अच्छे से दिख रही है। मिक्स करने वाली हूँ और थोड़ा सा कलर के लिए मैंने पिंक कलर ऐड किया था, कलर आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं क्रश ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग बीट कर सकते हैं बाद में भी। और ये मैं डब्बे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और थोड़ा सा मैंने एक वैनिला का निकाल दिया था, बेस जैसे बोल सकते, तो इसे वैनिला आइसक्रीम बन जाएगा। अगर वैनिला आइसक्रीम बनाना है तो उसमें थोड़ा सा वैनिला एसेंस डाल सकते हो। और ये मैं डब्बे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और एयर टाइट कंटेनर में डीप फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसे सामान भी बहुत कम लग रहा है, दो या तीन चीज़ों से ये बनेगा। दो चीज़ों से तो बेस बन जाएगा और तीसरा अगर आपको कोई भी आइसक्रीम बनाना है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़ा सा डिज़ाइन देने का ट्राई कर रही हूँ, बट यहाँ पे इतना अच्छा नहीं बना है, बट ठीक है, कुछ तो डिज़ाइन में ट्राई कर रही थी। तो ये हमारा मिक्स बेरीज जो है उसका आइसक्रीम रेडी है। तो ये चारों डब्बे, जैसे ये चौथा जो था वो वैनिला का रखा था, वो हमें अब यहाँ पे मैंने सेट होने के बाद दिखाया है, 8 से 10 घंटे मैंने सेट किया है और ये हमारी आइसक्रीम रेडी है। ये है चीकू का आइसक्रीम, सेकेंड जो है वो है बटर स्कॉच आइसक्रीम।
और ये है तीसरा मिक्स बेरी जो है उसका आइसक्रीम है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।